नमस्कार, मैं हूं मंगल सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 में। आपका स्वागत है। दबंगई के साथ काटे हरे भरे शमशान घाट के वृक्ष। समाज के लोगों ने दिया एसडीएम को लिखित आवेदन। जतारा के अहरवार समाज के लोगों ने जतारा एसडीएम को एक लिखित आवेदन दिया कि हमारी समाज के शमशान घाट की भूमि में लगे छायादार हरे वृक्षों को काट दिया गया है। अहरवार समाज की शमशान की भूमि में कुल 13 वृक्ष काटे गए हैं, जिनमें बबूल, चिरोल, बरगद, महुआ आदि के वृक्ष लगे हैं, जिनको 18/1/2021 को अनावेदक रानू सक्सेना द्वारा कट लिया गया है। जब समाज के लोगों ने सक्सेना से पूछना चाहा तो सक्सेना ने जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया। अहरवार समाज के लोगों का कहना है कि रानू सक्सेना द्वारा हमारी समाज की शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे प्रशासन ने करीब 2-3 महीने पहले हटाया था, जिससे बौखलाए हुए रानू सक्सेना ने आज हमारी शमशान घाट की हरी भरी वृक्षों को काट डाला। ज्ञापन देने वालों में मुकेश तिवारी, बंटी विवेक अहरवार, हुकुमचंद अहरवार, मथुरा प्रसाद अहरवार, टुंडे चैतराम, भंवरलाल, विजय बबलू, रविंद्र गूगल, देवेंद्र राम प्रसाद, रामलाल, हरिकृष्ण पन्नालाल, ज्योतिलाल, राकेश चंदेरा वाले सहित समाज के लोग ज्ञापन देते समय उपस्थित रहे। सतारा से संवाददाता लाली झा की रिपोर्ट। जो इनका नाम है अनावेदक रानू सक्सेना, इनके द्वारा 12-13 वृक्षों को काटना हुआ है। जो वृक्ष बमूरा, चिरौल, बरगद और चिरौल, कहाँ से काटे ये वृक्ष? ये शमशान घाट था, अरवा समाज को शमशान घाट था, वहाँ से इन वृक्षों को काटना हुआ। और ये घटना 18-19 तारीख की बताई जा रही है। और इसके लिए हम लोगों ने माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है और थाना प्रभारी महोदय को भी ज्ञापन दे रहे हैं। और जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनके ऊपर ठोस से कठोर कार्रवाई की जाए।